हेलो इंडिया, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AI होम मोहाली में। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक गेटेड सोसाइटी में, जिसमें कि आपका जो है वो 3 BHK का विला रहने वाला है। 107 गज का हमारा विला का साइज़ रहेगा। लोके आप एलिवेशन देख सकते, कुछ इस तरह से रहेगा हमारे विला का। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, सेक्टर 123 में लोकेटेड रहने वाला है, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के साथ। सोसाइटी की जो इंटरनल रोड रहेगी आपकी, 35 फीट जो है वो वाइड रहने वाली है सोसाइटी की इंटरनल रोड। एंटर पे हमने आपको यहाँ पे जो है वो आयरन का हैवी गेट लगा के दे रखा है। आप देख ही सकते हैं, काफी प्यारी डिजाइन का हमने आपको यहाँ पे गेट लगा के दे रखा है एंट्री पे ही। विला में एंटर करते ही आपको फ्रंट पे हमने यहाँ पे कार पार्किंग दे रखी है। आपकी कोई भी व्हीकल यहाँ पे आराम से पार्क हो सकती है, 4 व्हीकल आपकी। साथ ही हमने राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग दे रखी है। अंडरग्राउंड आपका वाटर स्टोरेज के लिए हमने वाटर टैंक आपको दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं वीडियो में। 3 BHK का विला है हमारा, 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, देन 1 BHK रहेगा आपका फर्स्ट फ्लोर पे। आउटर स्टेयर्स रहेंगी आपकी फर्स्ट फ्लोर के लिए, और टेरेस के लिए आउटर पे स्टेयर्स रहेंगी। चलिए चलते हैं हम विला के अंदर। विला के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, फ्रंट पे हमने यहाँ पे आपको जो है वो वुडन का काफी हैवी क्वालिटी का आपको मेन डोर दे रखा है। यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है हमने आपको मैश डोर का, यहाँ पे आप मैश डोर भी लगा सकते हैं। आइए चलते हैं विला के अंदर। दोस्तों विला के अंदर एंटर करते ही फ्रंट पे ही आ जाता है आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। बहुत ही स्पेसियस, हमने बहुत ही खुला साइज का हमने आपको डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया यहाँ पे दे रखा है। वॉल पे बहुत ही प्यारे डिजाइन के हमने आपको PVC पैनल के जो है वो डिजाइन करके दे रखे हैं यहाँ पे। काफी सुंदर लग रहा है, आप देख ही सकते हैं वीडियो में कितना सुंदर लग रहा है। बाकी आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है एज इट इज पूरे घर की विद कप लाइट्स। बहुत ही सुंदर डिजाइन, डिफरेंट डिजाइन के आपको फॉल सीलिंग हमने दे रखी है। यहाँ पे आपका वॉल पेपर आ जाता है वॉल पे इसके ऑपोजिट। देन आपको जो है हमने एलईडी एलईडी के लिए यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है, एलईडी पैनल लगा सकते हैं आप अपना। यहाँ पे डाइनिंग एरिया के ऑपोजिट आपकी आ जाती है मॉड्यूलर किचन। एल शेप की आपकी मॉड्यूलर किचन की जो शेल्फ रहेगी आप देख ही सकते हैं, एल शेप की आपकी शेल्फ रहेगी। यहाँ पे आपका हॉब आ जाएगा, चिमनी का प्रोविजन हमने आपको दे रखा है। सॉफ्ट क्लोजर के हमारे कैबिनेट्स रहेंगे यहाँ पे, किचन के जितने भी कैबिनेट्स हैं सारे सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे। काफी कैबिनेट्स हमने आपको सामान को स्टोरेज करने के लिए दे रखे हैं यहाँ पे। डबल सिंक मिल जाती है आपको साउंड प्रूफ। साथ ही आपकी जितनी भी सैनिटरी रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी हमारी। चलिए चलते हैं हम विला के फर्स्ट बेडरूम में। 3 BHK का विला है हमारा, 107 का जिसका साइज रहेगा, 2 BHK ग्राउंड फ्लोर में है, देन 1 BHK आ जाता है आपका फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है विला का। काफी खुला हमने साइज दे रखा है आपको बेडरूम का यहाँ पे। यहाँ पे हमने आपको सभी रूम में वॉलपेपर लगा के दे रखा है डिफरेंट डिजाइन का, बहुत ही अलग जो है वो कलर का हमने आपको सभी रूम में वॉलपेपर लगा के दे रखा है। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी हमने आपको पूरे घर में दे रखी है विद कप लाइट्स। साथ ही फुल लेंथ तक हमने आपको स्लाइडिंग कपबोर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हमारे जो है वो स्लाइडिंग्स है इसके। साथ ही आपका यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा। इसके ऑपोजिट हमने आपको यहाँ पे दे रखी है एलईडी पैनल। एलईडी पैनल का डिजाइन भी काफी प्यारा हमने आपको दे रखा है, छोटे छोटे इसमें कैबिनेट्स भी हमने आपको दे रखे हैं। अटैच रहने वाला है आपका रूम के साथ वॉशरूम। वॉशरूम में भी आपको टाइल्स वर्क दे रखा है हमने, जितने भी हमारी बाथ फिटिंग रहेगी सारी ब्रांडेड रहने वाली है वॉशरूम में। वॉशरूम आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं, अभी हमारा जो है कुछ काम पेंडिंग है इसका वॉशरूम का। साथ ही रूम के साथ अटैच आ जाता है आपको वॉशिंग एरिया का डोर। वॉशिंग एरिया आ जाता है आपका बैक में, यहाँ पे हमने आपको टाइल वर्क दे रखा है वॉशिंग एरिया में भी, टैप का प्रोविजन, देन यहाँ पे स्विचेस लगा के दे रखे हैं वॉशिंग मशीन के लिए। चलिए चलते हैं हम अपने विला के सेकंड बेडरूम में। लोकेशन की अगर मैं आपको बात करूं, मैं एक बार लोकेशन आपको फिर से कंफर्म कर देती हूँ। सेक्टर 123 वो हाल ही में लोकेटेड रहने वाला है एयरपोर्ट रोड के साथ, गेटेड सोसाइटी में वो भी। दोस्तों आगे हम अपने विला के सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम का साइज भी ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहेगा जो आपने फर्स्ट बेडरूम का देखा। बहुत ही खुले हमने आपको साइज दे रखे हैं यहाँ पे बेडरूम के। वॉल पेपर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, सेकंड बेडरूम में भी आपको वॉल पेपर मिल रहा है। साथ ही आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है डिफरेंट डिजाइन के साथ। इस रूम हमने आपको फॉल सीलिंग लगा के दे रखी है, ये आपको आदत ही रहेगी विद कंसील लाइट। साथ ही यहाँ पे फुल लेंथ तक हमने आपको यहाँ पे भी कपबोर्ड दे रखे हैं स्लाइडिंग के साथ। इसके ऑपोजिट हमने आपको इस रूम में भी एलईडी पैनल
लगा के दे रखा है, इसमें आपको कवर्स भी मिल जाते हैं छोटे छोटे। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारी एसी की वायरिंग फिटिंग जो है एंड आपकी फैन की, वो आपको हम ऑलरेडी पहले से ही करके दे रहे हैं, ताकि आप अपने घर में शिफ्ट हो, आपका तोड़ फोड़ का कोई भी काम ना हो, इसलिए हमने आपको प्रोविजन सारे पहले से दे रखे हैं। वॉशरूम आपको इस रूम में भी मिल रहा है, अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है यहाँ पे। बाथ फिटिंग हमारी जितनी भी रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी। वॉशरूम आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। आइए चलते हैं हम अपने विला के थर्ड बेडरूम में, जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। 3 BHK का विला है हमारा, 107 गज इसका साइज रहेगा। 2 BHK आपका ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है, 1 BHK आ जाता है आपका फर्स्ट फ्लोर पे। चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर। दोस्तों आगे हम अपने विला के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ की हमारा 1 BHK रहने वाला है आपका प्रॉपर। यहाँ पे हमने एंट्री पे ही आपको छोटा सा सिटिंग स्पेस दे रखा है, आप देख ही सकते हैं इसको, आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही आपको फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे बालकनी मिल रही है, बालकनी बहुत ही प्यारा हमने आपको साइज दे रखा है। यहाँ से आप अपना सोसाइटी का व्यू देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, सोसाइटी की रोड कितनी वाइड है। आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर। फ्रंट पे ही हमने आपको यहाँ पे एक वुडन का डोर दे रखा है, बहुत ही प्यारे डिजाइन का। एंट्री करते हैं, हमारा फर्स्ट फ्लोर में आ जाता है हमारा फर्स्ट थर्ड बेडरूम। बेडरूम में हमने आपको यहाँ पे भी वॉलपेपर लगा के दे रखा है प्रॉपर, डिफरेंट डिजाइन का यहाँ पे हमने आपको वॉलपेपर लगा के दे रखा है। साथ ही फॉल सीलिंग आ जाती है आपके रूम की, एज इट इज बहुत प्यारे डिजाइन की हमने आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग दे रखी है विथ कंसील लाइट। साथ ही यहाँ पे अलमीरा दे रखी है हमने आपको, इसके ऑपोजिट आपको यहाँ पे हमने LED पैनल लगा के दे रखा है। अटैच इसके साथ भी आपको वॉशरूम रहने वाला है सेपरेट, जैसे मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर में बताया, सभी रूम के साथ आपका अटैच वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम के साइजेस भी बहुत खुले हमने आपको दे रखे हैं, जो भी हमारी बाथ फिटिंग रहेगी सारी ब्रांडेड रहने वाली है। यह आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। इसके बेडरूम के ऑपोजिट ही हमने आपको यहाँ पे एल शेप की शेल्फ दे रखी है, मॉड्यूलर किचन दे रखी है हमने आपको यहाँ पे। कैबिनेट्स हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे, जितने भी कैबिनेट्स रहेंगे हमारे। हॉब आ जाएगा आपका यहाँ पे, चिमनी का प्रोविजन हमने आपको यहाँ पे भी दे रखा है, चिमनी का आप देख सकते हैं यहाँ पे। डबल सिंक मिल जाती है आपको यहाँ पे, साथ ही जितनी भी हमारी सैनिटरी रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी, डबल सिंक मिल रही है आपको यहाँ पे भी। साथ ही इसके बैक में आपको हमने यहाँ पे आ जाता है आपका टेरिस। टेरिस बहुत खुला है, इसमें हमने आपको डबल डोर लगा के दे रखा है, मैश डोर के साथ हमने आपको यहाँ पे टेरिस का डोर लगा के दे रखा है। यहाँ पे टेरिस में भी हमने आपको प्रॉपर टाइल वर्क यहाँ पे दे रखा है, आप देख ही सकते हैं काफी प्यारी हमने टाइल्स का डिजाइन यहाँ पे लगा के दे रखा है। दोस्तों ये था हमारे 3 BHK का विला, जिसका अगर मैं साइज बताऊं तो 107 गज इसका। दोस्तों ये हमारा टेरिस आ जाता है, पीछे आपकी छत आ जाती है विला की। हमने आपको 1.5 स्टोरी बना के दे रखा है, आप अब इसमें प्रॉपर अपना 2 रूम और बना सकते हैं। इसमें हमने आपको ऑलरेडी प्रोविजन दे रखा है, यहाँ पे वॉशरूम का एसी का हमने सारा आपको ऑलरेडी प्रोविजन दे रखा है। आप कल के लिए अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं आप 2 रूम और बना सकते हैं, इसमें 2.5 स्टोरी तक आप अपना विला जो है वो तैयार कर सकते हैं। 1.5 स्टोरी तक हम आपको बना के यहाँ पे दे रहे हैं। दोस्तों ये था हमारा 3 BHK विला का टूर, जो कि साइज रहेगा इसका 107 गज। लोकेशन में आपको फिर से एक बार कंफर्म कर देती हूँ, सेक्टर 123 मोहाली में लोकेटेड रहने वाला है, गेटेड सोसाइटी में रहने वाला है, एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल साथ में रहने वाला है। और अगर आप विला के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, और हमारी वीडियोस के नए नए अपडेट्स के लिए, प्रॉपर्टी के नए नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।